नमस्कार, न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। सरकार ने पूरा किया चुनावी वायदा, हर आय वर्ग के सीनियर सिटीजन होंगे शामिल। हेल प्लेनेट में होती है लोहे की बारिश। 2013 में खोजा गया था वास्प 76B। वैज्ञानिकों ने स्टडी में बताई नई जानकारी। और एप्पल कंपनी को देना होगा 13 बिलियन यूरोज का टैक्स। आयरलैंड में की थी हेरफेर। ईयू के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 10 साल पुराने मामले में दिया है फैसला। आइए शुरू करें। यूनियन कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन के फेवर में एक अच्छा फैसला लिया है। दरअसल कैबिनेट ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत दिए जाने वाले हेल्थ कवरेज को 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर लागू करने के फैसले को मंजूरी दी। इसमें आय का कोई बैरियर नहीं है, मतलब किसी भी आय वर्ग के 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर यह योजना लागू होगी। सरकार के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवारों के तकरीबन 6 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थियों में ऐड हो जाएंगे। आयुष्मान भारत के बीमा कवरेज में 70 साल और उससे ज्यादा के लोगों को शामिल करना वर्तमान सरकार के चुनावी वायदे में से एक था। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या फिर आयुष्मान भारत के विकल्प पर जा सकते हैं। यह भी साफ किया गया है कि 70 साल या उससे ज्यादा आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। अगर किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख रुपए का कवरेज उनके बीच साझा किया जाएगा। भारत में 60 साल से ज्यादा आयु की जनसंख्या 2011 में 8.6% से बढ़कर 2050 तक 19.5% हो जाने का अनुमान है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक इस एज ग्रुप का हेल्थ कवरेज तकरीबन 20% है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। इसकी सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में लॉन्च हुई थी। इसके 2 मुख्य कॉम्पोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर परिवार को हर साल 5 लाख का बीमा मुहैया कराया जाता है। योजना में परिवार के आकार, उम्र और जेंडर पर कोई कैप नहीं है, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य या सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। इसमें लाभार्थियों की पहचान SECC यानी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जरिए की जाती है। योजना के तहत लाभार्थी देश के ऐसे सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो इस योजना में लिस्टेड हैं। योजना में हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग में राज्यों की भूमिका है। इसमें फाइनल डिसीजन राज्यों का होता है, मतलब ये कि कौन से हॉस्पिटल्स योजना को लागू करने के लिए शामिल होंगे या किस प्रोसेस के जरिए शामिल होंगे, ये सब राज्य डिसाइड करते हैं। योजना को लागू करने के लिए NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। NHA भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है। इसे PMJAY यानी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए ही गठित किया गया है। 2013 में वैज्ञानिकों ने एक एक्सोप्लैनेट की खोज की थी जिसका नाम था वास्प 76B। इसे हेल प्लैनेट के नाम से या नरक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी प्लैनेट को लेकर अब एक स्टडी में कुछ नई बातें निकलकर सामने आई हैं, और स्टडी की बातों को जानने से पहले ये समझना होगा कि एक्सोप्लैनेट से मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे सौर मंडल के सूर्य के अलावा किसी दूसरे सौर मंडल के अन्य तारे को परिक्रमा करने वाले ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहते हैं। एक्सोप्लैनेट का हिंदी में मतलब होता है बाह्य ग्रह। ये हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद होते हैं। यूनिवर्स टुडे के मुताबिक अभी तक 5200 के करीब ऐसे एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। इनमें से कुछ तो हमारे सौर मंडल में मौजूद बृहस्पति और शनि की तरह बड़े आकार के हैं तो कुछ पृथ्वी की तरह छोटे हैं। जाहिर है इनमें पृथ्वी की तरह जीवन की स्थितियां मौजूद नहीं हैं। कई बार वैज्ञानिक इन्हें एलियन वर्ल्ड भी बोलते हैं। एलियन वर्ल्ड मतलब जिस दुनिया के बारे में हमें जानकारी बहुत कम है।
तकनीक में हो रही लगातार प्रगति के साथ पृथ्वी के बाशिंदे बहुत जल्द इस एलियन वर्ल्ड के बारे में भी ज़्यादा जानकारी जुटा सकेंगे। स्टडी के मुताबिक वास्प 76b अपने तारे की परिक्रमा हर 1.8 पृथ्वी दिनों में करता है। पृथ्वी दिन से मतलब होता है पृथ्वी पर जिस तरह से दिन की गणना की जाती है, हर ग्रह पर दिन की गणना अलग होती है। ये हमारे पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका दिन का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसे हेल प्लैनेट क्यों कहते हैं। इतने ज़्यादा तापमान के चलते यहाँ पर लोहा वेपराइज हो जाता है जो रात में बारिश के तौर पर गिरता है और इसे कहते हैं आयरन रेन। ये ग्रह भी अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक ही हिस्सा तारे को फेस करता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसमें किसी खगोलीय पिंड का घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर घूमने का समय और उसका परिक्रमण काल यानी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमने का समय दोनों बराबर हो जाते हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इन ग्रहों के अध्ययन से यूनिवर्स और इन ग्रहों के एक्सट्रीम क्लाइमेट को समझने के लिए करते हैं। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ hours की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूँ? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। भारत इन दिनों सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी के सेकंड फेज सेमीकॉन 2.0 को जल्द लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक अहम समझौता किया है। अब खबर आ रही है कि भारत यूएसए के ग्लोबल सेमीकंडक्टर अलायंस का भी हिस्सा बन गया है। यूएसए भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में साझेदार होगा। यूएसए में एक चिप्स एक्ट 2022 काम करता है, जिसके तहत इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ITSI फंड का गठन किया गया है और इसके जरिए यूएसए ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करने का काम करता है, जिसका मतलब है कि वर्तमान में पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर की सप्लाई में 1-2 देशों की ही भूमिका है। वैश्विक राजनीति में कोई भी देश किसी एक देश पर पूरी तरह से डिपेंड होना नहीं चाहता, इसलिए यूएसए द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में भारत को शामिल किया जा रहा है और भारत खुद भी इस दिशा में आगे बढ़कर काम कर रहा है। देखिए, सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल बताया जा रहा है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। दुनिया के देशों में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की होड़ मची हुई है। इसके अलावा पश्चिम के देशों जिनका मुखिया यूएसए बना हुआ है और चीन के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर एक वॉर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ चिप वॉर का नाम देते हैं। चीन सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी जर्मेनियम और गैलियम के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी रखता है। दुनिया का 60% जर्मेनियम और 80% गैलियम चीन में उत्पादित होता है। वहीं सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान की बड़ी भूमिका है और ताइवान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। चीन आए दिन ताइवान पर आक्रमण की धमकी देता है, ऐसे में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उस पूरी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें भारत एक मुख्य दावेदार है। लग्जमबर्ग स्थित यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एप्पल कंपनी को आयरलैंड को 13 बिलियन यूरोज चुकाने का आदेश दिया। ये वो पैसा है जो एप्पल ने आयरलैंड में टैक्स के तौर पर बचाया था। ईयू के कोर्ट के मुताबिक आयरलैंड ने एप्पल को गैरकानूनी तरीके से टैक्स बचाने में मदद की। इस मामले में कोर्ट ने 2020 के एक लोअर कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें एप्पल कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। एप्पल और ईयू के बीच का ये मामला तकरीबन 10 साल पुराना है। यूरोपियन कमीशन ने 2016 में आयरलैंड को कंपनी से 13 बिलियन यूरोज वसूलने का आदेश दिया था, लेकिन तब आयरलैंड ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता दिया था और एप्पल कंपनी ने इसे नो बेसिस इन फैक्ट और लॉ करार दिया था।
2020 में लोअर कोर्ट ने फैसला भी एप्पल कंपनी के फेवर में दिया। हालिया फैसले में लोअर कोर्ट के इसी फैसले को रद्द करते हुए यूरोपियन यूनियन के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंपनी से वसूली का आदेश दिया है। यूरोपियन कमीशन ने 2 सालों की जांच में पाया कि एप्पल कंपनी और आयरलैंड की सरकार की मिलीभगत से एप्पल के लिए आयरलैंड में टैक्स रेट 2003 में 1% से घटाकर 2014 में 0.05% कर दी गई। ऐसे समझिए कि 2014 में एप्पल ने आयरलैंड में हर मिलियन डॉलर प्रॉफिट पर केवल 50 यूरोज का टैक्स भुगतान किया है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक किसी जानवर, सेल या जीन्स की हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार करते हैं। इस कॉपीड मटेरियल को, जिसका जेनेटिक मेकअप ओरिजिनल की तरह होता है, क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग 3 तरह की होती है: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जीन्स की कॉपी या डीएनए के किसी सेगमेंट की कॉपी तैयार की जाती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में पूरे एनिमल का क्लोन तैयार किया जाता है। वहीं थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स तैयार की जाती हैं और ये क्लोनिंग इंसानों में किसी खराब हो चुके टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए की जाती है। क्लोनिंग प्राकृतिक तौर पर भी होती है। आइडेंटिकल ट्विंस नेचुरल क्लोनिंग का ही एक उदाहरण होते हैं। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। इनका जन्म 1952 में मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जेएनयू विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल करने के बाद 1975 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास के बाहर पर्चा पढ़ने के चलते सुर्खियों में आए थे। 1975 में जेएनयू में पढ़ाई के दौरान इमरजेंसी के समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। येचुरी ने गठबंधन युग की सरकार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पहले वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के दौरान और फिर 1996-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान। दोनों ही सरकारों को सीपीआईएम ने बाहर से समर्थन दिया था। उन्होंने भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर सरकार के साथ बातचीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी के सहयोगी जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र के मुताबिक भारत में लंबी नाक वाली अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस नाम की एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई। इसकी खोज बिहार के गनौली गांव में सौरभ वर्मा और सोहम पट्टेकर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने की। ये सांप आमतौर पर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों के साथ साथ मेघालय में भी देखे गए हैं। देखने में ये चमकीले हरे या नारंगी भूरे रंग के होते हैं। इनके पेट आमतौर पर नारंगी रंग के होते हैं, जबकि इनकी लंबाई 4 फीट तक होती है। ये जंगलों के साथ साथ शहरों जैसे मानव बहुल क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। गैर लाभकारी संस्था अमेजन कंजर्वेशन ने दावा किया है कि अमेजन वर्षावन के लगभग 40% क्षेत्रों को विशेष सरकारी संरक्षण नहीं दिया गया है। ये क्षेत्र अमेजन के सुदूर दक्षिण पश्चिम में पेरू में तथा सुदूर उत्तर पूर्व में ब्राजील, फ्रेंच गुयाना और सुरीनाम में स्थित हैं। जलवायु परिवर्तन को रोकने और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिहाज से अहम इस वर्षावन में कुल 71.5 बिलियन टन कार्बन स्टोर है। यह आंकड़ा 2022 में उत्सर्जित कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 2 गुना है। तकरीबन 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले अमेजन एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में अमेजन और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। यह उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजीलियाई सेंट्रल पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण को सुरक्षित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2-व्हीलर और 3-व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना फेम योजना की जगह लेगी। फेम योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इसे 2 फेज में 9 सालों तक चलाया गया। अब नई पीएम ई ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना में नई सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। इनमें 88,500 स्थानों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सहायता देने का प्रावधान भी शामिल है। आज नागरिक विमानन को लेकर आयोजित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया।
दिल्ली घोषणा पत्र विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक दूरदर्शी रोड मैप है। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर को नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में शुरू हुआ है। इस दौरान श्री नायडू ने 2025 तक विमानन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। हाल के दिनों में इसके घरेलू हवाई यातायात में उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। अमेरिका ने भारत को 52.8 मिलियन डॉलर कीमत की हाई एल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोबॉय बेचने का फैसला किया है। हालांकि अभी इसे अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलना बाकी है। सोनोबॉय एयर लॉन्च एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रो मैकेनिकल सेंसर है, जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में उन साउंड वेव्स का पता लगाने में किया जाता है जिसे पनडुब्बी छोड़ती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पर किया जाता है। साथ ही यह पानी की गहराई में होने वाली रिसर्च में भी काम आता है। सोनोबॉय की सबसे खास बात है कि इसे पनडुब्बी, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर तीनों से लॉन्च कर सकते हैं। आइए देखें बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, खबरों में रही हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय को भारत द्वारा किस देश से खरीदा जा रहा है? फ्रांस, यूएसए, रूस या फिर इजराइल? अगला प्रश्न है, वास्प 76B पद निरूपित करता है बाह्य ग्रह को, पनडुब्बी को, वायरस को या फिर साइबर हमले को? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत ओमान, भारत यूएई, भारत यूएसए या फिर भारत रूस? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत यूएई। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा पिलोकार्पिन किसके लिए उपयोग में आता है? एम्पॉक्स की वैक्सीन में, आंखों के इलाज के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या फिर हरित हाइड्रोजन के विकास में? सही जवाब है विकल्प बी, यानी आंखों के इलाज के लिए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।